Hello students, in this video we'll learn how to find out rational number between two given rational numbers. Okay, in last video somewhat the orientation problem was there, so please keep the mobile horizontal on the surface and see the video nicely. In this video I'll rectify the particular things. So I'm taking one question. So we'll discuss not only one question, so many questions, but today we'll discuss some question only, you know, and we'll discuss some question in next video. So see the students, this is the first question. Question number one, find two rational numbers between 2 and 3. So I'll tell you the method and concept. First thing I want to tell you, there are infinite number of rational number between two given rational number. That means aap kisi bhi koi bhi do diye gaye number ke beech mein infinite number of rational number find kar sakte hain. To aisa mat samjhiye, kabhi kabhi aisa hota hai ki ab kisi bacche ne koi dusra answer nikala to kisi ne koi dusra answer nikala to sabke answer apni apni jagah sahi honge. Bas dhyan ye rakhna hota hai ki method sahi hona chahiye. Koi zaruri nahi ki aapka answer aur kisi dusre bacche ka answer aap se match ho. तो आप समझ गए होंगे कि एक यहां पर कंसेप्ट जो है वो मैं कंसेप्ट यहां लिख भी दे रहा हूं. आई रॉट द कंसेप्ट, देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन गिवन टू रैशनल नंबर्स. दैट मींस यू कैन फाइंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर. तो आई एम गिविंग यू वेरी सिंपल वे एंड ईजी वे. आपको कंसेंट्रेट करना है कि सबसे पहले देखिए आपको कितने रैशनल नंबर निकालना है. तो वी वॉन्ट टू फाइंड आउट ओनली टू रैशनल नंबर. तो जितने भी रैशनल नंबर निकालने होते हैं उसको आप साइड में लिखिए और उसमें प्लस वन कर लीजिए. ऑलवेज प्लस वन करना होता है तो कितना मिलेगा हमको, थ्री. हमको कितने रैशनल नंबर निकालने, दो, उसमें एक प्लस करेंगे कितना मिलेगा आपको, थ्री. तो अब हमको जो गिवन रैशनल नंबर है पहला वाला, फर्स्ट वाला है या टू है, फर्स्ट है, इसमें हम क्या करेंगे, इस टू को मैं न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, इस जो नया नंबर हमारा आया है 2 + 1 = 3 का हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे. तो हमको क्या मिल जाएगा, 6/3, 3 × 2 = 6/3. तो ये हमको 2 मिल गया. दैट मीन्स इस 2 को हम 6/3 भी लिख सकते हैं. इस 2 को 6/3 लिखने के बाद हम ये समझ गए हैं कि देखिए लिखने का तरीका है, नंबर वही है, 6 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही मिलेगा. तो 2 को हम लिख सकते हैं 6/3. एंड हमारे पास दूसरा नंबर क्या है, 3. तो 3 में भी हम लिखेंगे 3 × 3 × 3. दैट मीन्स जो नया नंबर हमारे पास आया था 3, उसको हमने न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया है. तो हमको क्या मिल गया है, 9/3. अब आप देखेंगे कि ये जो 6/3 है और 9/3, ये 6/3 हमारा पहला नंबर है और 9/3 हमारा दूसरा नंबर है. हमको बाकी दो नंबर पता करने, तो आपको पता है 6 के बाद क्या आता है, 7. बाकी 3 को आप रिपीट कर दीजिए, 7 के बाद क्या आता है, 8 और 3 को रिपीट कर दीजिए. देखिएगा आपको दो नंबर आपको मिल गए हैं, किसके बीच में, 6/3 मतलब 2 और 9/3 मतलब 3 और 2 के बीच में आपको दो रैशनल नंबर मिल गए. वो कौन से हैं, 7/3 और 8/3. होप सो समझ गए होंगे आप. तो हम यहां पर आंसर डिक्लेयर कर देंगे, रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स आर, क्या है हमारे, 7/3 और 8/3. नाउ आई विल टेक क्वेश्चन नंबर 2 सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेल. क्वेश्चन नंबर 2 आई एम ब्रिंगिंग. क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 और 5. सेम मेथड, आपको कितने नंबर फाइंड करना है, वी वांट टू फाइंड आउट 3 रैशनल नंबर. तो हम क्या लिखेंगे, 3 + 1, व्हाट इज कमिंग, 4. हमारा पहला नंबर क्या है हमारे पास, 4 = 4. ये हमारा 4 जो नंबर ये वाला है ये, और बाकी ये 4 जो हमारे पास आया है, इसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो क्या मिलेगा हमको, 16/4. एंड दूसरा नंबर हमारे पास क्या है, 5. तो 5 को हम सेम लिखेंगे, और हमारे पास नंबर क्या मिला था, 4 से हम न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे. तो हमको क्या मिलेगा, ये 20/4. ये हमारा पहला नंबर है 16/4, जो कि हमारे पास 4 से मल्टीप्लाई करने पर मिला था. और ये हमारा लास्ट नंबर है 20/4 ना. आपको कितने नंबर निकालने हैं, 3 नंबर निकालने. तो अगला नंबर क्या होगा हमारा, 16 के बाद 17.
17 के बाद क्या होगा 18 और 18 के बाद क्या होगा 19, फोर हम रिपीट करते चलेंगे फोर, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर को सेम बना लिया है। तो ये हमारे तीन रिक्वायर्ड नंबर हमको मिल पता चल गए हैं, और वो रिक्वायर्ड नंबर क्या क्या हमारे पास हैं, तो यहां आंसर हम डिक्लेयर करेंगे रिक्वायर्ड नंबर्स आर 17 by 4, 18 by 4 एंड 19 by 4। होश हो गया आपको, समझ में आ गया होगा। लेकिन अभी तक आपने क्या देखा कि ये जो नंबर हमारे पास थे गिवन नंबर, उनके डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं था, मतलब वो सिंपल नंबर थे। हम ऐसे नंबर को क्या कह सकते हैं, सिंपली इंटीजर थे। अब मैं ऐसे नंबर लेकर आ रहा हूं जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री आपके सामने आ गया है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। हम क्या फाइंड कर रहे हैं यहां पर, हम देख रहे हैं कि 3/5 एंड 4/5 अभी तक हमारे पिछले नंबर्स जो थे वो ऐसे थे, मतलब उनके नीचे कोई नंबर नहीं था। लेकिन यहां पर अब एक नंबर आ गया है नीचे, तो मतलब ये कौन से फॉर्म में आ गए हैं, ये आ गए हमारे पी अपॉन क्यू फॉर्म में आ गए हैं। अब यहां पर हमने एक और चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि अगले क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा। हम यहां देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में दोनों नंबर सेम है। अगर डिनोमिनेटर में दोनों नंबर सेम है तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आगे बढ़ सकते हैं। हमको अगेन कितने नंबर फाइंड करना है, हमको अगेन 5 नंबर फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, 5 + 1, तो हमको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। इस 6 का मल्टीप्लाई हम करेंगे किसमें, 3/5 में। 3/5 को हम सेम लिखेंगे, 6 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में भी। तो आपको क्या मिलेगा, न्यूमरेटर में 18 और डिनोमिनेटर में 30। एंड दूसरा नंबर आप लिखेंगे, दूसरा नंबर आपके पास है 4/5। 4/5 को आप सेम लिखिए और इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर भी और नीचे भी। तो 6 × 4 = 24 एंड दिस 30। तो आपको पता चल गया पहला नंबर हमारा 18/30 है स्टार्टिंग में, जो हमको गिवन किया है, और लास्ट वाला नंबर हमको 24/30। हमको बीच के नंबर पता करने हैं। तो आपको पता है बीच में क्या क्या आएगा, 19 आएगा, 20 आएगा, 21 आएगा, 22 आएगा, 23 आएगा। तो ये हमारे 5 नंबर हमको मिल जाएंगे। मैं आपको लिखना दिखा रहा हूं कैसे लिखते हैं, देखिएगा। आप देख सकते हैं पहला नंबर हमारा 18/30 था और दूसरा नंबर 24/30। तो 18 के बाद क्या आएगा, 19/30 एक, 20/32, 21/33, 22/34 एंड 23/30, 1, 2, 3, 4, 5 रिक्वायर्ड रैशनल नंबर हमको यहां पर मिल चुके हैं। तो हम यहां पर लिख देंगे रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स आर व्हाट आर द 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ये हमको 5 रैशनल नंबर मिल गए हैं। अब मैं एक ऐसा क्वेश्चन लेकर आऊंगा जिसमें डिनोमिनेटर में दोनों नंबर सेम नहीं होंगे। तो देखिए उसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर हमारे सामने आ गया है, फाइंड 8 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/7 एंड 3/7। अब यहां पर स्पेशलिटी हमको देखनी है इन दोनों नंबर्स की। दो नंबर आपको दिख रहे होंगे, दीज टू नंबर्स, इन दो नंबर्स में हम देखेंगे कि डिनोमिनेटर दोनों में सेम नहीं है। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है तो हमारी प्रॉब्लम डिनोमिनेटर को सेम बनाने के साथ ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही तो हमको ऊपर वाला मेथड जो ऊपर वाले क्वेश्चन में अप्लाई किया वो हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए हम कैसे हमको डिनोमिनेटर सेम बनाना है, सिंपल क्रॉसिंग। कहने का मतलब है जैसे मान लीजिए कि यहां पर 7 है और यहां 5 है, 7 और 5 को मुझे इक्वल बनाना है तो मैं क्या कर दूंगा, एक्सचेंज कर दूंगा। जब मुझे डिनोमिनेटर को सेम बनाना होता है तो मैं नंबर को एक्सचेंज कर देता हूं। तो कैसे एक्सचेंज करूंगा, देखिए 2/7 है तो 2/7 में किसका मैं एक्सचेंज करूंगा, 5 से मल्टीप्लाई करूंगा न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में। 10/35 हमको मिल गया है। एंड दूसरा नंबर हमारे पास है 3/5, इसमें क्या करूंगा मैं 3/5 में 7 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो मुझे यहां पर भी ये नंबर मिल जाएगा 21/35। देखो मुझे यहां पर पता चल रहा है आपको न्यूमरेटर में सॉरी डिनोमिनेटर में सेम बना लिया है। डिनोमिनेटर सेम बनाने आधा काम कंप्लीट हो जाता है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम बन चुका है। अगर डिनोमिनेटर सेम बन चुका है तो मेरा बहुत सारा वर्क मैं सोच सकता हूं कि कंप्लीट हो चुका है। 10/5 पहला नंबर है एंड दूसरा नंबर है मेरे पास 21/35। आप देख पाएंगे पीछे, आप देख ले पेज को प्लट कर। तो देखिएगा 10/35 के बाद आप 21/35 तक
कितने नंबर आपको लिखना है, 8 लिखना है, लेकिन हो सकता है यहाँ 8 से ज्यादा हो, तो नो प्रॉब्लम, हम लिखेंगे फर्स्ट नंबर 11/35 फर्स्ट, 12/35, 13/35, 14/35, 15/35, 16/35, 17/35, 18/35 एंड सो ऑन, डैश डैश करके लगा दीजिए। तो हमको कितने नंबर चाहिए थे, हमको चाहिए थे 8, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हमको 8 मिल चुके हैं। हमें और भी आगे पॉसिबल हो सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि आपको कि इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, उनमें से कुछ नंबर हमारे पास आ चुके हैं, और भी हो सकते हैं। तो अब यहां पर आंसर डिक्लेयर कर दीजिए, रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स आर क्या होंगे, 11/35, 12/35, 13/35, 14/35, 15/35, 16/35, 17/35 एंड 18/35। ओके, आई गिव सम क्वेश्चंस टू यू सो दैट यू कैन सॉल्व एट द फ्री टाइम। आई एम राइटिंग सम क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, आई एम गिविंग सम क्वेश्चंस सो दैट यू कैन सॉल्व and you can clear out concepts. See all the questions I wrote on the